दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक रोड रेस की घटना सामने आई है। जी दरअसल बीते गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जो देख रहा है वह हैरान हो रहा है। इस वीडियो में बस ड्राइवर को बाइक सवार को पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसकी पत्नी मदद के लिए चिल्ला रही थी। इस मामले को उत्तर पूर्व बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन में पुतन हल्ली क्षेत्र में बताया जा रहा है। हालांकि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस ड्राइवर को वायरल वीडियो के बाद गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी बस का ड्राइवर एक युवक को जमकर पीट रहा है। वहीं इस दौरान एक महिला को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वह वीडियो को लेकर यह भी बताया जा रहा है ये महिला उस युवक की पत्नी थी। हालांकि वीडियो में कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए देखा जा सकता है। सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना मंगलवार की थी। इस दौरान संदीप बेनिफेस नाम एक युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था। इस बीच बस ड्राइवर एक दूसरी बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में बाइक आ गई थी। जी हाँ, और इस बात को लेकर बाइक सवार और बस ड्राइवर के बीच तू-तू मैंने होने लगी। वहीं बाद में मामूली कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई और फिर से बस ड्राइवर ने बाइक सवार युवक को जमकर पीटना शुरू कर दिया। वहीं इसके बाद यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया। बाइक सवार युवक ने येलहंका न्यू टाउन पुलिस को अपनी शिकायत दी और आरोप लगाया कि बस ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, मैंने तो रास्ता दे दिया था, लेकिन उसने बाद में बाइक को रुकवाकर उसकी पिटाई कर दी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर ने भी पुलिस में एक शिकायत दी है और उसने बाइक सवार पर आपत्तिजनक इशारा करने का आरोप लगाया है। हालांकि फिलहाल शिकायत के बाद बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बस चालक को निलंबित कर दिया है।